एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन पूज्य संत महापुरुषों सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों बुद्धिजीवियों धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा है, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सदगुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है और सुंदर वातावरण से प्राप्त होता है। और कर्म कांड धरती पर जितने हैं वो पंडित जी के ब्रेन से निकला है। जितने भी कर्म कांड हैं, चाहे माँ का श्राद्ध कीजिए, चाहे पिता का श्राद्ध कीजिए, चाहे बेटी का विवाह कीजिए, चाहे बेटा का विवाह कीजिए, चाहे जनऊ कीजिए, चाहे मुंडन कीजिए, चाहे घर का नींव डालिए, चाहे बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, चाहे गंगा में नहाइए, चाहे जमुना में नहाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे प्रयाग जाइए, चाहे महाविष्णु जग कीजिए, महारुद्र जग कीजिए, इस सारा कर्म कांड। आज के लोग पूरे कर्म कांड में घुले मिले हुए हैं और उसी कर्म कांड से अपना मुक्ति। कर्म तो जरूरी है, कर्म की आवश्यकता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है, लेकिन शांति के लिए कर्म नहीं चाहिए। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य सुख के लिए और शांति के लिए दोनों के लिए कर्म पर आ गया है, कर्म पर उतारू है। सुख से जीने के लिए खेती करने की आवश्यकता है, कर्म कीजिए। सुख से जीने के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए नौकरी करने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए मवेशी पालने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, सिनेमा में रहने की आवश्यकता है, नायल पैड हारमोनियम ऑर्गेन बजाने की आवश्यकता है, लेकिन कर्म से शांति नहीं मिल पाएगी आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात है शांति। बड़े बड़े लोग हजार हजार बीघा वाले, 5-5 सौ बीघा वाले एसपी डीएसपी कलेक्टर आईजी, हमारे हाजीपुर के कलेक्टर थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, जब शांति नहीं मिली तो बेचारे अंत में पॉइजन खा के मर गए। सुख कहाँ रहा? कितना कितना कष्ट लगा होगा आईएएस करने में। अब आदमी क्षण भर में जब शांति नहीं आई तो पॉइजन खा के मर गया। आपके सिवान के कलेक्टर साहब दीपक मिश्रा जी थे, उनका यही हाल हुआ। आपके मैंने देखा अखबार में, लखनऊ के एसपी साहब थे सुरेंद्र कुमार दास, और शांति नहीं मिली, पत्नी से झगड़ा हुआ, 6 गो सेल्फेस के गोली एक बार खा गए और दुनिया से बेचारे चल रहे। आज मनुष्य शांति के लिए जाके, शांति के लिए भी मंदिर में भगवान से पूजा अर्चना करता है कि हे भगवान मेरे जीवन को शांति प्रदान कर दो। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख से जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर रात रात भर ताना बाना चलाकर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांकते थे और सुपच भगत जी सूप डगरा बीनते थे।
बिना कर्म किए, और कर्म के लिए भी मनुष्य भगवान से मांग रहा है कि भगवान मुझे धन दे दो। दे दिया धन, इतना दिन से भगवान का पूजा किए, बेटा मिला। बहुत सारी महिला अभी तक निपुत्र है, बांझ बन के बैठी है, अब पूजा करते करते उसका अगरबत्ती बारते बारते चुटकी खिया गया, लेकिन एक पुत्र का मुंह नहीं देखी आज तक। बहुत सारे लोग पूजा करते करते मर गए, लेकिन 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ उनको। बंधुओं, यह आपके प्रारब्ध का भोग है। साहब कबीर कहते हैं, भोग हूं भोग भुक्ति जनी भूलहूं, योग युक्ति तन साधहूं हो, अज्यो यही भांति करहूं मतवलिया, ता मत का चित बांधहूं हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करिहे चाल कुचाली हो, बांधी मारी दंड जब ली है, तब छोटी है सब मत वाली। आपके जीवन में वही होगा जो आपने किया है। कोई एक पिता के 5 पुत्र है तो पिता चाहता है कि सब बेटा को धन दौलत माल मवेशी घर द्वार में बराबर करके बांट दूं। लेकिन ऊपर में एक पिता बैठे हैं भगवान, इनके पुत्र में बंटवारा कैसा हुआ है? कहीं बोरे बोरे नमक है, कहीं रोटी पर ना नमक। क्या किसी ने किसी का बेईमानी कर लिया? क्या किसी ने किसी का चोरी करके धन बना लिया? नहीं, वो आपके कर्म का परिणाम है। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोलाहे चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सूरत निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोलाहा चादर बिनता है, एक तरफ से तानी किया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जीव का अपना जैसा कर्म है, वो कर्म की तानी है, और जहां इसकी सुरती रही, ध्यान रहा, उसकी भरनी है, और देखिए चादर तैयार हो गया। इधर के जीव को औरत वाला चादर मिल गया, और इधर वालों को मर्द वाला चादर मिल गया। अपने कर्म से कोई भगवान नहीं दिया है, आपका कर्म आपको मर्द वाला चादर दिया है, इनका कर्म इनको औरत वाला चादर दिया। किसी को सांप वाला चादर मिला है, किसी को बिच्छा वाला चादर मिला है, किसी को बिल्ली वाला चादर मिला है, किसी को कुत्ता वाला चादर मिला है, किसी को गीदड़ वाला चादर, किसी को अपना कर्मानुसार विशाल हाथी वाला चादर मिला है, और किसी को छोटा सा चीटी वाला चादर मिला है। सब कर्म का परिणाम है। आप अंधे हैं मां के गर्भ से, आप लंगड़े हैं मां के गर्भ से, आप बता हैं मां के गर्भ से, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपको टीवी हुआ है, आपको दम्मा हुआ है, आपको कैंसर हुआ है, आपको डायबिटीज हुआ है, आपको एड्स हुआ है, आपको लकवा पकड़ा है, आपको पोलियो पकड़ा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीवी आपके जीवन में आया। भगवान क्यों टीवी देगा आपको? क्या जरूरी लगा है भगवान को किसी को टीवी भेजने का, और किसी को दम्मा भेज देने का, और किसी को डायबिटीज भेज देने का, किसी को लकवा भेज देने का, किसी को ब्लड प्रेशर? भगवान बीमारी के दुकान खोला है, भगवान बुखार के दुकान खोला है, और भेजते रहता है सबके यहां। आपका दूल्हा जवानी में मरा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। भगवान आपके दूल्हा को क्यों मारेगा? आपका बेटा मरा है तो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी भैंस मरी है तो कर्म का परिणाम है। आपकी गाय मरी है तो कर्म का परिणाम। आपका सारा जमीन बिक गया है, वो आपके कर्म का परिणाम।
भगवान तो कहीं है नहीं, तो मानव की कल्पना। जितने भगवान सामने देख रहे हैं वो मनुष्य की कल्पना है, मनुष्य ने कल्पना किया है। बंधुओं आप कर्म करें, कर्म ठीक, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी जो आपने खेत में गेहूं मकई लगाया उसमें जो भी आपकी मेहनत हुई, पानी देना, खाद देना, स्प्रे करना, वो सब आपका क्रियमान कर्म है, वर्तमान कर्म है। गेहूं मकई पक गया, कट गया, दौनी हो गया और बोरा में रखा के या कोठी में रखा के आपके घर में स्टॉक हो गया, वो आपका संचित कर्म हो गया। और गेहूं और मकई का रोटी बन के खाने के लिए आपके सामने आ गया, वो आपका प्रारब्ध कर्म हुआ। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप गेहूं मकई नहीं बोए होते, उसमें आप मेहनत नहीं किए होते, तो गेहूं मकई संचित नहीं होता, और संचित नहीं होता तो रोटी बन के, प्रारब्ध बन के आपके सामने खाने के लिए नहीं आ। ठीक उसी प्रकार से औरत हो या मर्द, जो जो कर्म करते हैं, पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, जो जो कर्म करते हैं वो कर्म संचित होता है। सारे कर्म संचित होते हैं और उसी संचित पाप कर्म का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है, और जब आपका बेटा मरता है जवान, तब आप माथा पटकते हैं धरती पर, कभी डाइन को गाली देते हैं, कभी भगवान को गाली देते हैं और कभी वर्तमान कर्म को गाली देते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा, पाप करी दुख भोगही, सिर धुनी धुनी पछता वही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। पाप कर्म करेगा खुद, परिणाम भोगेगा, और जब परिणाम मिलेगा तो भगवान को गाली देगा, डाइन को गाली देगा। डाइन है तो हमको ले चलिए जरा उसके यहां, हम उसी के हाथ का बनाया खाएंगे, देखते हैं डाइन हमको कैसे मार देती। इतना आदमी बेवकूफ हो गया, डाइन होता तो इंदिरा गांधी के लिए बम की आवश्यकता पड़ती, राजीव गांधी के लिए बम चलता, ललित नारायण मिश्रा जी के लिए बम और रिवाल्वर चलता। डाइन से मरवा दिया होता कोई तो उसको फांसी की सजा भी नहीं होती, लेकिन सब फांसी पर पड़ गए। वैसे लोगों के लिए बम की आवश्यकता है, आई गांव घर में मंत्र की आवश्यकता है। अभी एक आदमी हमसे गए थे कहने, साहब मंत्र है नाम की नहीं, ये सब झूठ बात है। साहब कबीर कहे तंत्र मंत्र सब झूठ है। मंत्र है क्या? मंत्र एक विचार है, और मंत्र में विशेषण जोड़ के मंत्री शब्द का निर्माण हुआ। क्यों? वो राजा को समय पर विचार दे। मंत्र का माने ये होता है, मंत्र कुछ है नहीं। मैंने कहा कर्म की आवश्यकता है, लेकिन वही जीने के लिए। कर्म का परिणाम आपको भोगना है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मंदिर जाना पूजा नहीं, कर्म ही पूजा है। आप दिन भर में जितना कर्म करते हैं वो आपकी पूजा है, और जहां जहां आप दिन भर में जाते हैं वही आपकी परिक्रमा है। आप क्या करना चाहते हैं? अभी लोगों को कहा जाए कि मांस मत खाइए, वो नहीं मानेगा। मछली मत खाइए, दारू मत पीजिए, चोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, दलाली मत कीजिए, घूस मत लीजिए, लेकिन अभी लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी का परिणाम जब उसको मिलेगा। एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दारू पीना, ताड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जुआ खेलना भी हानिकारक है। 10 नौजवान आ रहे थे महात्मा जी के प्रवचन सुनने, ये बात सुन लिया और वहीं से वापस हो गए। कहा चलो ये बाबा जी, हम ही लोगों को देख के ये बात बोलना शुरू किया,
अब इसकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे। घूम गया, महात्मा जी ने देखा अब तो बीमारी सब जा रहा है, हम इलाज किसका करेंगे। रोगी तो घूम गया, अब इलाज किसका हम करेंगे। तुरंत महात्मा जी ने तुरंत बात को बदल दिया, कहा एक बात है, बीड़ी सिगरेट पीना तो खराब जरूर है, लेकिन डोल डाल जाने के समय एक आध गो पिए में कोनो हर जाना। और तुरंत सब घूम गया, वाह बाबा जी तो कमाल है, हम ही लोगों के लायक प्रवचन शुरू किया है। चलो चलो इसका प्रवचन अब सुनेंगे। कुछ दूरी पर आया तो महात्मा जी ने कहा, दारू पीना तो खराब जरूर है, लेकिन होली के दिन एकाध शीशी पीने में कोनो हर्जा नहीं। कहा वाह, तो बाबा जी लगता है काशिये से आया है, इतना बढ़िया प्रवचन। कुछ निकट में आया तो कहा, जुआ खेलना तो खराब जरूर है, लेकिन दिवाली के रात में दो चार हाथ खेलने में कोनो हर्जा नहीं। करकरा के अगाड़िये में बैठ गया, और जिसका बड़ाई आप करेंगे वो चुप नहीं रहेगा। उसमें से एक उठ के कहता है, बाबा हम तो बीड़ी सिगरेट और गांजा तीनों पीते हैं। बाबा ने कहा, वाह बेटा तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कहा कैसे नहीं काटेगा, परिणाम से आदमी भयभीत होता है। रजनीश ने कहा कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं लोगों को केवल परिणाम दिखाता हूं। ऐसे बाबा कहे तो सब भाग गया, और जब परिणाम पर आ गए, कहा कैसे कुत्ता नहीं काटेगा, कहा बीड़ी सिगरेट गांजा पीते पीते दम फूलने की बीमारी हो जाएगी, बुढ़ारी में शरीर एकदम तुम्हारा दुबला पतला पीला पड़ जाएगा, रास्ता चल नहीं पाओगे। तो चलने के लिए सहारा के लिए एक लाठी हाथ में लेना होगा, और जब लाठी लोगे तो कुत्ता आएगा तुम्हारे निकल। अब तो इसको धरती आसमान दोनों सूझने लगा। तुरंत कान पकड़ लिया, बाबा कल से बीड़ी सिगरेट और गांजा पीना बंद, ये बुढ़ारी में कौन कष्ट काटेगा। दूसरा उठ के कहा, बाबा मैं दारू पीता हूं। कहा बस तुम्हारे जीवन में बुढ़ारी कभी आएगी नहीं, बुढ़ाओगे नहीं कभी। कहा कैसे, तो दारू पीते पीते जवानी में दोनों किडनी फेल हो जाएगा, तो जवानी में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुढ़ाने का कोई जरूरी है न पड़ेगा तुमको। अब सोचा जवानी में मरेंगे, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, पत्नी मुसमात हो जाएगी, दुख का पहाड़ गिर जाएगा। तुरंत कान पकड़ लिया दोनों, बाबा कल से दारू पीना बंद, परिणाम दिखाया। तीसरा उठ के कहा, बाबा मैं तो गांजा पीता हूं। बस बेटा तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं होगी। कहा कैसे, अरे जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे, जब जेवर खत्म होगा तो गाय भैंसी बेच के हारोगे, अब वो जब समाप्त होगा तो जमीन बेच के हारोगे, तब तुम्हारे पास क्या बचा। तो चोर डकैत तुम्हारे घर में रामायण पाठ करने आएगा कि गीता पाठ करने, कुछ रहेगा जो आएगा, तुम्हारे घर में चोरी डकैती बंद। वो भी उठ के कान पकड़ लिया, बाबा कल से जुआ खेलना हमारा बंद। बंधु कर्म तो कीजिए, जीने के लिए सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है। देखिए तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब क्रिकेट खेल के कितना रुपया कमाया, आज सुख से जी रहा है कि नहीं। खेसारी लाल, दिनेश लाल, भोजपुरी फिल्म से कितना रुपया कमाया। भरत शर्मा व्यास, आपके छपरा के रहने वाले, भोजपुरी गीत गाकर कितना रुपया कमाया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिन, शाहरुख खान, सलमान खान, कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। कोई आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बनकर कितना रुपया कमाया है, आज चैन से जी रहे हैं। अगर सुख से जीना है तो विद्यार्थी अगर कोई है तो वो सही से पढ़े,
ध्यान से पढ़े, चेतना लगाकर पढ़े, इसलिए कि मानव के अंदर चेतना एक होती है। उस चेतना को आप जहां लगाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। जो विद्यार्थी अपने चेतना को चारों तरफ से मोड़कर वो पढ़ाई पर लगाया है, उसकी चेतना पढ़ाई पर है, वो लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी की चेतना शिखर पराग पर है, टीवी पर है, मोबाइल पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का पढ़ के चपरासी नहीं बन पाएगा, चौकीदार नहीं बनेगा। क्यों? उसकी चेतना चार जगह बट रही है, वो लड़का कुछ नहीं बन पाएगा। बंधुओं, कर्म में चेतना की आवश्यकता है, लेकिन कर्म कांड में मत उलझ जाइए। सारे लोग, महिला सब कर्म कांड में है, खूब प्रेम से छठ करती है, तीन दिन अन्न नहीं खाती, छठ करती है। देखिए तो खरना के दिन, नहाए खाए के दिन दुकान पर इतनी भीड़ है कि साल हम जा रहे थे कहीं कार्यक्रम में मोटरसाइकिल से दरभंगा जिला में समस्तीपुर में, एक घंटा हमको रुकना पड़ा, तब रोड खाली हुआ तो हम निकले। इतनी भीड़ से वो संतरा के दुकान पर, नेमो के दुकान पर, ईख के दुकान पर, आदि हरदी मूली के दुकान पर, इतना भीड़ डलडा मैदा के दुकान पर, शक्कर के दुकान पर, चीनी के दुकान पर, साड़ी साया ब्लाउज के दुकान पर, इतनी भीड़। ज्ञान कांड है क्या? ये कर्म कांड है। पारण के दिन मछली के दुकान पर और मांस के दुकान पर मार पड़ रहा है। हो जाएगा छठ से बेटा मिलेगा कि बेटी, जमीन मिलेगा कि मकान, नौकरी मिलेगी कि क्या, क्या मिल जाएगा इससे? बंधुओं, कर्म से आगे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के नाम जपते जपते मर जाइएगा, और कर्म अगर प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है तो भीख मांग के मरना पड़ेगा अंत में। हरिश्चंद्र ऐसे दानी को कर्म ने अंत में डोम के हाथ बिकवाया। कर्म आपका, साहब कबीर कहते हैं, आज लोग बेटा बेटी के विवाह करता है तो पंडित जी के यहां जाके लगन दिखवाया दिखवाता है, लेकिन भगवान राम और माता जानकी दोनों के विवाह के लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, और राजा जनक के पुरोहित थे सतानंद, तीन तीन पुरोहित के द्वारा विवाह का लगन रखा गया। परिणाम क्या आया? साहब कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे कर्म गति टार से नहीं टरी। जो प्रारब्ध बन गया है वो सारा संपत्ति दान कर दीजिएगा, नहीं कटेगा, वो भोगना पड़ेगा आपका, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। दो कर्म आपका टल सकता है, क्रियमान कर्म और संचित कर्म को आप टाल सकते हैं। आज से आप संकल्प लीजिए कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज से मैं मछली नहीं खाऊंगा, आज से मैं तारी दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं चोरी दलाली नहीं करूंगा। क्रियमान कर्म सुधर गया, संचित बनवे नहीं करेगा, संचित जल गया, अब पाप जमे नहीं होगा। क्रियमान सुधर गया, पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध बनेगा नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध आपके कर्म से बन गया तो हरिचंद्र को अंत में डोम के हाथ बिगना पड़ा, इतने बड़े दानी को, और भगवान राम को 14 बरस वनवास हुआ, और जानकी को हर के रावण ले गया, दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हाथ फेल हुआ। आज लोग कोई बूढ़ा बूढ़ी किसी मुखिया सरपंच के यहाँ जाते हैं, चलिए मुखिया जी पंचायती कर दीजिए, बेटा पुतो खाना नहीं देता है, गाली देता है। मुखिया कहता है, बूढ़ी चलो मेरे दरवाजे से, मैं राम कहानी सुनना नहीं चाहता।
राम कहानी मीन्स दुख से भरी कहानी, पूरा जीवन भगवान राम और जानकी जी का जीवन दुख में बीता है, कभी सुख नहीं मिला। क्यों? कर्म का परिणाम था। बिना कसूर के शंबुक ऋषि को भगवान राम ने मार दिया और बिना कसूर के राजा दशरथ ने सरवन कुमार को मार दिया। ये बदला पहुंच गया, कर्म का बदला प्रारब्ध बन के आ गया। हर एक आदमी के जीवन में वो प्रारब्ध आ रहा है, प्रारब्ध बन के आ रहा है, लेकिन लोग करेजा पीट के रो के आ गाली पढ़ के अपना चुपचाप रह जाते हैं, फिर भी कर्म पर ध्यान किसी का नहीं। साहब कबीर ने कहा, अरे कहां वह फंद, कहां वह बारिधि, कहां वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरीर करम गति। रावण का कर्म रावण के लंका को जला दिया। अगर वो जानकी को हर के नहीं ले जाता, लंका नहीं जलता, कर्म ने जलाया। साहब कबीर कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, पांडव जिनके आप सारथी उन पर विपत्ति परी। कहा गया है कृष्ण, जब आप पारस मणि पत्थर थे तो पांचों भाई पांडव आप में जाके सट गया, उसको तो सोना बन जाना चाहिए, लेकिन वो पांचों भाई हिमालय में गल के मर गया। इसे साबित होता है आप भी पारस नहीं थे। पांडव जिनके आप सारथी उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो जदुकुल नाश करी रे करम गति, तारे से नहीं टरी, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग गिरगिट जोनी में परी रे करम गति, टार से नहीं टरी, राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। होनी को तो आप बना रहे, पैदा कर रहे। बकरा काट के खाते हैं तो बड़ा मन लगता है, अपना बेटा कट गया तो बाप होनी के बनाया था, बाप बेटा को कटने वाला कौन बनाया था, आपने बनाया। आज भगवान को गाली देते हैं, और डाइन को डाइन का हिम्मत है किसी को मंत्र से मार देने का? मरने का आठ साधन है मात्र, धरती आकाश हवा पानी आग हाथ दांत और बीमारी। धरती पर भूकंप हुआ तो मर जाएंगे, आकाश से ठनका गिरा तो मर जाएंगे, बाढ़ आ गई तो पानी में डूब के मर जाएंगे, आग लगी हुई तो जल के मर जाएंगे, और जोरों का आधी तूफान आया पेड़ पौधा देह पर गिर गया तो मर जाएंगे। सांप और दांत, कोई विषैला जानवर दांत से काट लिया तो मर जाएंगे, कोई हाथ से बम पिस्तौल रिवाल्वर बंदूक लाठी फरसा भाला से मार दिया तो मर जाएंगे, और नहीं तो कोई बीमारी पकड़ा तो मर जाएंगे। मंत्र से कैसे मर जाएंगे? मंत्र से कहीं आदमी मरा है तो कहिए ना डाइन के हम 2 लाख रुपये देंगे, और कहिए हमारा पर मंत्र चलाने के लिए। भूत होता है, भूत भूत है। एक आदमी पूछ रहे थे भूत है, भूत है, आप लोग बोलिए। अगर भूत है तो गाय भैंस भेड़ बकरा चार पैर वाला जानवर, साहब कबीर कहते हैं अंड न पिंड न प्राण न देही। भूत के न अंडा है न देह है न प्राण है न कुछ है, कुछ नहीं। तो चार पैर वाला जानवर बच्चा देते हैं, माता लोग बच्चा देती है, और पक्षी क्या देती है? अंडा। पक्षी अंडा देती है, चार पैर वाले जानवर बच्चा देते हैं, माता बहन लोग बच्चा देती है, अब भूत क्या देता है? अंडा की बच्चा।
बोलिए बोलिए, भूत क्या देता है? यही तो रिजल्ट खत्म हो गया, यही जवाब समाप्त है। अगर भूत जोनी है तो बच्चा देता है कि अंडा? बोलिए, एकदम झूठ। साहब कबीर कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तीन जहराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्न उछेवा, अगला जन्म या अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नरलोय, अभूतवा के पूजे से भूत वे हो। कर्म कीजिए, कर्म को न्यायपूर्ण कर्म कीजिए, कर्म भी हो और कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं। अभी तो खूब मजा, बेटा मार रहा है दलाल या बाप क्या बतियाता है, बउआ के तनख्वाह तक कम है, ऊपरी आमदनी है ज्यादा। अब ऊपरी आमदनी का परिणाम क्या मिलेगा, वो पिताजी कहां से, बड़ाई छटले घूरते हैं दरवाजे दरवाजे घूम के, हमारा बउआ के ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा है, माने दलाली या घुसखोरी बहुत ज्यादा है। वो दलाली घुसखोरी का परिणाम कौन भोगेगा, वो परिणाम कहीं जाएगा हर जगह से, सब लोग कोरा कागज पर लिख लीजिए, हर जगह से आप क्षमा पा सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति में क्षमा नाम का चीज नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम। इसी गांव में देख लीजिए, यही गांव शोभा छपरा है, सबका जमीन एक समान है क्या, सबका मकान एक समान है क्या, सबका बेटा बेटी एक समान है क्या, सबका गाय भैंस एक समान है क्या, सबको अपना अपना कर्मानुसार है। इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसको घर बनाने तक का जगह नहीं है, इसी गांव में ऐसा भी आदमी होगा जिसका 200 बीघा पड़ती है पड़ल, वो आपके कर्म का अनुसार, कर्म का परिणाम है। अभी तो आप देवी देवता पूजने में लगे हैं, लेकिन कर्म को आप ठीक नहीं कर रहे, फिर वहीं जाएंगे जहां से आए थे, फिर वहीं पहुंचेंगे आप, चूंकि कर्म आपका ठीक नहीं हो रहा है। मंदिर में पूजा करके आप बकरी काट के खा जाते हैं, मछली मंगा के खा जाते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कर्म तो फिर वहीं पर ले जाएगा आपको, पुनः मूषिको भव, जहां से आए पुनः वहीं आपको चला जाना पड़ेगा, कर्म ठेल के वहां पहुंचा देगा आपको। बंधुओं, कर्म कीजिए लेकिन कर्म कांड से बचिए। सारा लोग जीने के लिए भी कर्म, सुख के लिए भी कर्म, और शांति के लिए भी कर्म। शांति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता है, शांति के लिए तो सुंदर वातावरण की आवश्यकता है। कर्म करते करते, मंदिर पूजते पूजते, अब मांस मछली खाते खाते अंत हो रहा है समय, कहीं सुधार नहीं, कहीं सुधार नहीं हो रहा है। सारे लोग कर्म कांड में भिड़े हुए हैं, रात दिन दौरा लगा रहे हैं मंदिर के, रात दिन पूजा में लगे हैं, और कर्म ठीक नहीं। क्या कल मैं कहानी कहा था, कर्म कांड करने वाले ने स्वर्ग को नरक बनाया, कर्म कांडी लोगों ने स्वर्ग को नरक बनाया है। बंधुओं, ज्ञान कांड में आइए। ज्ञान कांड का मतलब है, यह हमारा जो मंच है, यह कर्म का मंच नहीं है, यह ज्ञान का मंच है, यह अंधश्रद्धा का मंच नहीं है। आज लोग अंधश्रद्धावादी हो गए, आज पत्थर की पूजा चल रही है, गोबर की पूजा, अग्नि की पूजा, पानी की पूजा, आकाश की पूजा, धरती की पूजा चल रही है। चेतन जीव, ये चेतन जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। प्रकृति में गुण है, प्रकृति में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है चेतन में, जड़ में ज्ञान, ये शरीर आपका जड़ है, प्रकृति से बना हुआ, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, नहीं अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। लेकिन चेतन संसार में दो ही चीज अमर है, दो ही सत्ता है इस संसार के अंदर, एक प्रकृति और एक पुरुष, एक जड़ एक चेतन, यही दो सत्ता है।
प्रकृति से आपका हमारा शरीर बना है और चेतन यही बोल रहा है। इस सबको जानता है, अपने को भी जानता है, लेकिन जड़ न किसी को, सूरज किसी को नहीं जानता है, अपने को भी नहीं जानता है, हवा अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है, अग्नि अपने को भी नहीं जानती है, दूसरे को भी नहीं जानती है। आज दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश ये चेतन जीव आज जड़ प्रकृति की पूजा कर रहा है सुख और शांति पाने के लिए। जड़ में गुण है, पानी में गुण है, लेकिन ज्ञान नहीं है। पानी में न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है, न क्षमा है। जिस पानी का आपने पूजा किया है उसी पानी में एक दिन नाती डूब के आपका मर जाएगा, उसी पानी में पोता डूब के मर जाएगा। तब क्या कीजिएगा? बाप बाप चिल्लाइएगा, माथा पटकिएगा। जिस पानी का मैंने पूजा किया वो पानी मेरे ऊपर तो जरा सा भी दया नहीं किया और मेरे नाती को डुबा के मार दिया, तो उसके पास ज्ञान है कि आपके पोता नाती को बचा ले पानी। आज चेतन जी पानी का पूजा कर रहा है, पानी में गुण है, प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास मिट गया। शरीर में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, शरीर ठंडा हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, हरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर चलाइए, गीजर चलाइए, पंखा चलाइए, बल्ब जलाइए। पानी में गुण है, लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा वो कर देगा और आपके पोता नाती को बचा लेगा। याद कर लीजिए, पूजा करने वाले एक दिन निछप्पड़ करके छोड़ेगा ये पानी आपको। उस समय आपका सारा मिर्गी भगवान वाला उतार देगा। कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, इतना महंगा घी जलाते हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा मसी, गुगुल, इतना महंगा पदार्थ जलाया जा रहा है। आग से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से फायदा हमको देगा? जिस आग का पूजा किया है उसी आग में एक दिन गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी, उसी में आपके दुल्हा का कोट फुल पैंट जलेगा और उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा, उसी आग में रुपया जलेगा, उसी आग में नाती पोता और बेटी दामाद जलेगी, उसी आग में गाय भैंस जलेगा। तब अग्नि की पूजा आपको अच्छा मिर्गी सारा उतारेगा ना, तब आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, पूजा आपका सही पर चला जाएगा। आप जो जड़ प्रकृति की पूजा करते हैं वो देगा जब अपना तांडव दिखाएगा। आग लगे तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, अग्नि महाराज अब क्षमा कर दो, ई चंडाल अगर बिना दमकल के मान जाए, अगर बिना दमकल के मान जाए। आग की पूजा करते हैं, आग देवता है हमारा। कुछ लोग आकाश की पूजा करते हैं, आकाश में भगवान बैठा है। एक दिन की घटना सुनाऊं, मेरा समय अब होने वाला है। एक दिन पूज्य आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब का कार्यक्रम पूर्णिया जिला के पूर्णिया टाउन के इर्द गिर्द में हो रहा था, उनके जो मठ है उससे 2-4-10 किलोमीटर के दूरी पर। साहेब जी नित्य दिन सब सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम वाला सत्र करके अपन मठ पर आ जाते थे। दूसरा दिन, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन के पहला सत्र में जा रहे थे, उधर से दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए, साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, दरोगा आया, साहब जी का चरण पकड़ के प्रणाम किया, कहा गुरु जी सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम 3 दिन का पूर्णिया में चल रहा है, विचार किया कि जाऊं, जरा आचार्य श्री के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। साहब जी ने कहा क्यों नहीं आए? तो कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं क्या?
साहब जी कहे हम निचलका को मानते हैं, ऊपरका को हम नहीं मानते। तब वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं है। और रामायण का चौपाई बोला, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब उपरका की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा, तब मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि उसके होठ पर गया और दरोगा तंबाकू रखा था होठ में। साहेब जी कहे दरोगा जी होठ में तंबाकू है, उपरका के कृपा से है कि निचला के कृपा से? अब तो वक चका गया, कहा न ये तो निचले के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं? दरोगा कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो उपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं तो अपना कृपा से खाते हैं। दारू पीते हो उपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं भी अपने कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के, कपड़ा फड़वा के, इज्जत लुटवा के और थाना पर आता है FIR दर्ज कराने, और उस समय जो घूस लेते हो वो अपना कृपा से कि उपरका के कृपा से? तो कहा ना ये हो तो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी डर था, जिसका चेले SP या कलेक्टर हो वो दरोगा से डराएगा? साहब जी ने कहा अरे भले आदमी खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो उपरका के कृपा से, रोड पर से हटा के। और साहब जी वहां से सारा कुकर्म मनुष्य अपना कृपा से करता है। कुछ काम के लिए ही मंदिर का दौर लगाता है कि कुछ काम हमारा भगवान भी कर दे। कौन काम करेगा भगवान? भगवान तो अपने विपत्ति से उबर नहीं पाए। क्या क्या नतीजा हुआ है भगवान कृष्ण का? क्या नतीजा हुआ? बाली का बेटा सौतार बन के अंत में मार दिया है भगवान कृष्ण को। पांडव का क्या नतीजा हुआ? पांचों भाई डूब के अंत में सरजू नदी, पांचों भाई हिमालय में गल के मर गए। अब भगवान चारों भाई का क्या दुर्गति हुआ? अंत में सरजू नदी में डूब के चारों भाई अपना प्राण गंवा दिए। आप मुक्ति पाना चाहते हैं रामा रामा हरे हरे कहके, हरे कृष्णा पढ़ के आप मुक्ति पाना चाहते हैं? हमारे इलाका में गांव है, उस गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है, और जादव लोग सब था कबीरपंथी। वहां तंबाकू की खेती होती है, सब लोग तंबाकू की खेती किया, लेकिन थे दुविधा में। थे तो कबीरपंथी लेकिन दुविधा वाला काम, मंदिर मस्जिद वाला काम भी चल रहा था। खैनी माघ का महीना खैनी कट रहा था तंबाकू, और पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा जजमान अठजाम बहुत दिन हो गया, एक अठजाम तो किया जाए। कहा तो क्या हर्जा है, तंबाकू बिक रहा है 10,000 के कट्ठा, खेते खेत से चंदा मांग करके और चंदा पूरा हो गया। की जय। चंदा पूरा हो गया, माघ बसंत पंचमी दिन तय हो गया अठजाम होने का। अब बीच गांव में 10 घर मुसलमान लोग थे, वो जादवे लोगों से खैनी तंबाकू कच्चा खरीद के और बना उना के अपना बाजार उजार में बेचते थे। उनके पास तंबाकू झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। जादव लोग कहा कि मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, अठजाम में खड़ा करना है। जो मौलवी साहब के पास 2-4-5 तिरपाल था वो दे दिया। जब अठजाम शुरू हुआ, 4-5 घंटा बीता तो पूरब और उत्तर की कोण से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब तो मौलवी साहब को मिर्गी चढ़ गया। अब तिरपाल दिया अठजाम में, अब बारिश कहीं हुई तो मेरा गला कटेगा, सारा खैनी भीग जाएगा। अपने बेटा को कहा रे बाबू जाओ जरा अठजाम में, आ जादव लोगों को विनतियों करके
दुइयो तीन गो तिरपाल मांग के ले आओ कि खैनी जमा करके झांप देंगे। इनका बेटा गया अठजाम में, तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। जब दादा का नजर पोता पर पड़ा तो पूछा, अरे बाबू कहाँ आया है? कहा, अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए, बिजली चमका है, बादल गरजा है और खैनी कटा हुआ है। उसका दादा कहा, रे बाबू हम तो 5 घंटा से सुना है, इस सब ग्वाला सब ही सनका हुआ है। उसका दादा कहा, ये ग्वाला सब सनका है, अभी हम 5 घंटा से सुना है, ये सब गायले गीत के गावा है और झाल से झलियावा है, गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है और रह रह कहुम हुमावा है, तब बुझा है दम निकल जाइ, अभी मंगवही तो ग्वाला से मार के खराब कर दियो, जाए देखनी भीग जाइए तो भीग जाइए। क्या रट लगा रहे हैं, एक के नाम के कितना दिन दौनी कीजिएगा, ये दौनी करने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, जरा सोचिए तो। इन नाम के दौनी करने से क्या मिलेगा, गेहूं के दौनी कीजिएगा तो गेहूं मिलेगा, आ ये दौनी कीजिएगा तो अंत में क्या मिलेगा, जरा सोचिए समझिए। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए, लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। ज्ञान की आवश्यकता है, आपके जीवन में शांति आएगी कब, जब आपके अंदर ज्ञान होगा और जब सदगुरु के संगति में आप जाएंगे, सत्संग में जाएंगे और सुंदर वातावरण में जाएंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। जब सत्संग में जाएंगे तो सारी माता बहने आपको बहन बेटी और माँ के समान दिखाई देगी, तो फिर दरोगा जी की गाड़ी आपके दरवाजे पर लगेगी, लगेंगे क्यों और आपके जीवन में अशांति आएगा क्यों। यह है ज्ञान कांड, जब ज्ञान में आएंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी और जब कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा, लेकिन कर्म कांड में जाने से न सुख मिलेगा और न शांति मिलेगी, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने वाणी पर यही विराम लेता हूँ, बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग पूज्य साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, उनके विचारों से हम लोग लाभ लेंगे। उसके पूर्व एक हम भजन श्रवण करते हैं, आइए मैं ही भजन रखता हूं आप लोगों के समक्ष। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संसार तो एक दिन सबका छूटेगा, लेकिन छोड़ने के पहले हमको क्या क्या करना है, आइए इस भजन के भाव को हम समझते हैं। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यम दूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथ कड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर
तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा, क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, थोड़ा जय जयकारा जोर से लगाइए, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। जो जितना ही ऊपर हाथ उठा करके जय जयकारा लगाएगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं, कहने का मतलब कि जीवन में उन्नति करेगा, जीवन में ऊपर उठेगा, वो तो जाना ही है ऊपर। हेलो, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। अब हम लोग और न विलंब करते हुए, अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब आज के बाद हाथ उठाकर जल ना बोलना, नहीं तो जल्दी चले जाओगे ऊपर में।
हाथ नीचे रखोगे ना तो बहुत देर से जाना पड़ेगा। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद कहूंगा और उस पर कुछ विचार। यद्यपि बातें सब कुछ आ चुकी है, संतों ने महात्माओं ने आपको सुनाया है, फिर भी मनन करें और विचार करें। कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी, पानी माही पशान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा, सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई, अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले ये कह बानी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचार। ना हरि भजस ना आदत छूटी, कबीर साहब कहते हैं मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना उसकी गलत आदतें छूटती है। भजन और भोजन ये दो चीजें हैं। भोजन से शरीर की भूख दूर होती है, किंतु कितना उत्तम से उत्तम सुंदर से सुंदर व्यंजन खा लो, आपके मन की भूख नहीं दूर होगी उससे। मन की भूख भजन से दूर होगी। तो जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही भजन भी आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन, इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा है जिसे आप चेतन आत्मा रूह सोल भी कहते हो, उसके लिए भजन। दुनिया में भोजन करने का सौभाग्य और भोजन करने की योग्यता प्राणी मात्र को प्राप्त है। कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक भोजन की व्यवस्था प्रकृति में है, और दुनिया का कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोता। जो जैसा है उसका वैसा भोजन मिल जाता है, तो भोजन करने का सौभाग्य तो प्राणी मात्र को मिला है। किंतु भोजन और भजन दोनों करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। मनुष्य को भी भोजन करना होता है क्योंकि जीवित रहना है, बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। कितनी आत्मा परमात्मा की बात कर लो, स्वर्ग नरक की बात कर लो, जन्नत बिहिस्त की बात कर लो,
मोक्ष कल्याण गति की बात कर लो, बिना भोजन के कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कहा गया भूखे भजन न होए गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। सबसे पहले भोजन चाहिए तब भजन चाहिए। मनुष्य को जीवित रहना है तो भोजन तो चाहिए, लेकिन जीवन का कल्याण भोजन से नहीं होगा, भजन से होगा। एक कड़वी बात संत लोग कहा करते हैं, बात कड़वी नहीं होती है, बात तो सच होती है, किंतु बातें कड़वी क्यों होती है? जो सच बात होती है वो कड़वी क्यों होती है? सच कड़वा क्यों होता है? क्या सचमुच में सच कड़वा होता है? सच केवल सच होता है, न कड़वा होता है न मीठा होता है। फिर सच कड़वा क्यों लगता है? इसलिए कि आदमी के मन में झूठ के लिए मोह है, झूठ के लिए प्रेम है। झूठ के लिए जितना मोह होगा सच उतना कड़वा लगेगा, और जिस दिन झूठ का मोह खत्म हो जाएगा सच मीठा लगने लग जाएगा। एक कड़वी बात महात्मा लोग कहा करते हैं, जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, जो केवल भोजन करता है वह भोजन कर सकता है, जो केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो भोजन और भजन दोनों करता है उसे मनुष्य कहा जाता है, और जो मनुष्य पाकर के केवल भोजन करता है भजन नहीं करता उसे क्या कहना चाहिए? आप लोग जानो, मेरे पास इसको उत्तर नहीं है। भोजन हमारी मजबूरी है। मजबूरी किसे कहते हैं? जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना कपड़े के हम जीवित रह लेंगे? अनेक साधु होते हैं कपड़ा नहीं पहनते, जैनों में दिगंबर संत होते हैं कहाँ कपड़े पहनते, लेकिन जीवित तो रहते हैं, किंतु भोजन उन्हें भी चाहिए। बिना मकान के हम जीवित रह लेंगे? जानवरों का कहाँ अपना मकान है? जो जानवर आप पालते हो उनके लिए तो व्यवस्था की, और जंगली जानवर का कौन मकान है? किंतु जंगली जानवरों को भी भोजन करना होता है। भोजन मजबूरी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मकल्याण, आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति। हमारा जो मानव जीवन है दो काम के लिए मिला हुआ है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायश कहा गया है। आत्मकल्याण का काम करना, और जो बन सके तन से मन से वचन से धन से किसी प्रकार दुनिया के लोगों की सेवा करना। सेवा नहीं कर सकते हैं तो इतनी सावधानी से जीवन जिए कि हमारे तन मन वचन से किसी को तकलीफ दुख ना मिलने पाए। इतना हम कर सकते हैं ना? हम सेवा नहीं कर सकते, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक प्रण कर ले और सावधानी से जीवन जिए कि मेरे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, दुख पीड़ा ना पहुंचने पाए, बस इतना पर्याप्त हो जाएगा। फिर भजन की, भगवान की भक्ति होगी। यहां साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। भजन के नाम पर बहुत कुछ होता है। भजन का अर्थ क्या होता है समझना होगा पहले। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना। भज धातु से
भजन शब्द भी बनता है और भज धातु से भक्ति शब्द भी बनता है। भक्ति और भजन दोनों का एक ही अर्थ है। पहला अर्थ है सेवा करना। और याद रखें, सेवा की आवश्यकता जो जीवित है, जानदार है, उसको होती है, निर्जीव को नहीं होती। क्योंकि निर्जीव को सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। निर्जीव को भूख प्यास नहीं लगती है, निर्जीव ठंडी गर्मी नहीं लगती। जो जानदार है, जीवित है, उसको भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है। इसलिए सेवा की आवश्यकता जो जीवित है, जानदार है, उसको ही होती है। कोई निर्जीव है, उसकी सेवा क्या है? उसकी उचित देख रेख, उसकी मरम्मत, उसकी व्यवस्था। जैसे ये माइक है, मान लो माइक बिगड़ गया, तो इसकी सेवा क्या है? इसकी मरम्मत करवाना। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं तो आवाज दूर दूर जाती है। इसकी सेवा भी जानदार के लिए होती है। आप मकान में रहते हो, आपका मकान निर्जीव है, बेजान। मकान में कहीं टूट फूट हो गई, कहीं दीवार में दरार आ गई, कुछ हो गया, तो उस मकान में जो टूट फूट है, उसकी मरम्मत करना, मकान समय आने पर मकान में रंगाई पोताई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये मकान की सेवा है। लेकिन क्यों? उस मकान में रहने वाले जो जीवित लोग हैं, उनकी सुविधा आराम के लिए। मकान बना दियो, कोई नहीं रह रहा है, रोज झाड़ू पोछा लगा रहे हो, सफेदी कर रहे हो, किसके लिए जब कोई है ही नहीं? तो ऐसे जितने भी है निर्जीव, अब कुछ भी कह लो, उसकी सेवा भजन नहीं है, उसकी सेवा भक्ति नहीं है। भक्ति है, सेवा है, भजन है, जानदार की सेवा करना। और जानदार में कम से कम आपके घर में जो वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर है, रोगी हैं, कम से कम उनकी तो सेवा करो। लेकिन घर के जो लोग हैं, उनसे लड़ना, झगड़ना, उनसे गाली देना, उनसे कलह कल्पना, विवाद, और सेवा किसकी करते हैं? भक्ति किसे करते हैं? प्रणाम किसको करते हैं? आशीर्वाद कहां से मांगते हो? जो बोलता नहीं है, चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष के हो, किसी भी महापुरुष के, उस चित्र मूर्ति की भक्ति क्या है, सेवा क्या है? उसको साफ सुथरा रखना, उचित जगह पर रखना, बस ये उसकी सेवा है। अब यह चित्र या मूर्ति को वो आशीर्वाद देते हैं तो प्रणाम करो, कभी आशीर्वाद नहीं देते फिर भी प्रणाम करते हो तो आप बहुत समझदार हो। यदि इन्हें भूख प्यास लगती है तो उन्हें भोजन खिलाओ, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, खाते भी नहीं है, फिर भी आप रोज भोग लगाते हो तो आप बहुत बलवान आदमी हो, बहुत ज्ञानी आदमी हो। ऐसे कबीर साहब ऐसे बलवान और ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहते। माता पिता को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। भूख प्यास उनकी लगती है, ठंडी गर्मी उनको लगती है, रोग व्याधि उनको होती है, सेवा की आवश्यकता वहां होती है। दुर्भाग्य यह है, मंदिर में जाकर के हम बड़ी भक्ति भावना के साथ हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, वंदना भी कर लेंगे, लेकिन घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका प्रणाम करना, उनके पैर छूना में छूना बड़ा कठिन हो गया। आजकल पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जा रही है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मंदिर में जाकर इतनी भक्ति भावना से सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और पूजा करेंगे, और मंदिर से आएंगे तब घर में माता पिता के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते।
बात करेंगे माता पिता से तो कटु बात करेंगे, तिरस्कार पूर्वक बात करेंगे, पास में बैठने की हिम्मत, मंदिर में बैठकर आधा घंटा पूजा करेंगे, लेकिन वृद्ध माता पिता के पास बैठकर पांच मिनट बात नहीं कर सकते। कौन सी भक्ति हो गई आपकी? ये झूठी भक्ति काम नहीं करेगी। आपकी भावना है मंदिर जाने की, भक्ति करने के लिए करो, लेकिन कम से कम जो आपके घर में वृद्ध माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं या अन्य रोगी दुखी हैं, उनके साथ मिठास पूर्वक बात तो कर सकते हो, उनके पास बैठ करके पांच मिनट कुशल मंगल तो पूछ सकते हो, उनकी कुछ सेवा तो कर सकते हो। अब ये भी नहीं हो रहा है तो कैसे माना जाए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो? जो जीवित है उनका तिरस्कार। अजीब बात है, ये हमारी माता बहन जो बैठी हुई है, पुरुषों की अपेक्षा इनमें भक्ति भावना श्रद्धा की मात्रा ज्यादा होती है। नारियां हृदय प्रधान होती है, भावना प्रधान, और पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं, मस्तिष्क प्रधान होते हैं, इसलिए नारियों में भक्ति भावना बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी नवरात्र बीता, दुर्गा मंदिरों में बड़ी लाइन लगी थी, कोई बात नहीं। शारदीय नवरात्र आता है, क्वार में जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़े विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। चलो मानते हैं आपकी भावना है, करते हो, अच्छी बात। अनेक नारियां और खासकर तमाम युवतियां नहा करके खुले बाल नंगे पैर थाली में प्रसाद लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, क्या क्या लेकर के दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत भक्ति भावना लोगों के मन में है और घर में आएगी तब सास से बात नहीं करेगी, एक गिलास पानी मांगेगी तो डपट देगी। जीवित दुर्गा बैठी हुई, नारियां शादी होती है तो पत्नी बनती है, बहू बनती है, आगे चल करके माँ बनती है, सास भी बनती है। ये जो नारियां बैठी हुई है वे सोचें जरा, जिस पति को पाने के लिए जब शादी हुई तो किसी पति के साथ ही हुई, या जिनकी नहीं हुई है किसी लड़के के साथ ही शादी होगी, वो लड़का पति बनेगा। जिस पति को पाने के लिए तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ देती हो, सगे भाई बहन को छोड़ देती हो, सखी सहेलियों को छोड़ देती, गांव घर को छोड़ देती हो, उस तुम्हारे पति को मंदिर भाई दुर्गा ने पैदा किया है या सास भी दुर्गा ने पैदा किया है? कौन दसली दुर्गा है? मंदिर दुर्गा की बड़ी पूजा कर रहे हो, घर में जो साक्षात दुर्गा बैठी है सास, जितने तुम्हारे पति को 9 महीने कोख में रखकर बड़ी हिफाजत से पाला पोसा, छाती का दूध पैदा होने बाद छाती का दूध पिलाया, उसके तिरस्कार, उससे कटुवाने, तुम्हारी दुर्गा खुश कैसे हो जाएगी? विचारना गंभीरता से। तुम मंदिर जाकर दुर्गा पूजा करते हो, तुम्हारी भावना है, लेकिन जब तक शास्त्र भी दुर्गा की पूजा नहीं करोगे मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी, तुम्हारी भक्ति अधूरी अधूरी रह जाएगी, कोई फल नहीं मिलने वाला होगा। और जो सास बन चुकी है, जिनके बेटे की शादी हो चुकी है, बहू आ चुकी है, वो लोग वो सास लोग सोचे कि तुमने बेटे को जन्म दिया, छाती का दूध पिला करके पाला पोसा, खुद गिले बेतबस हो करके सूखे बिस्तर पर अपने सीने पर लगाकर बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसे तुम संभाल नहीं सकती हो कि तुम्हारा बेटा बहकने ना पाए, रास्ता भटकने ना पाए, समय से तुम्हारे बेटे को भोजन मिले, रक्षा मिले, उसके लिए तुम एक बहू लाई, वो बहू वो दुर्गा है जो तुम्हारी बेटी की रक्षा कर रही है, उस बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा चल रहा है? ताना तो नहीं मारते हो, दहेज नहीं लाई कह करके?
बार बार शिकायत तो नहीं करती हो? यदि बहू को ताना मार रही हो बार बार, तुम दहेज नहीं लाई, ऐसे नहीं लाए, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया, तो मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी। वो तुम्हारी बेटी है, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी शादी होने के पश्चात जिस घर में जाए वहां उसकी सास उसे बेटी मान करके प्यार दे, उसकी थोड़ी सी गलतियों को डांटे डपटे ना, तो तुम्हारे घर में किसी की बेटी आई हुई है उसे तुम बेटी मानती हो नहीं मानती हो? कितनी माताएं ऐसे होती है, बहू ने थोड़ी सी गलती की, फोन लगाया बेटी को, आ तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया, तुम्हारे भाभी ने ऐसा किया, तुम्हारी भाभी ने, क्या फायदा होगा? तो हर बहू को चाहिए कि अपनी सास को मां मान करके उसकी सेवा करे, और हर सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी मान करके निश्चल प्यार दे। जिस घर में सास और बहू के बीच मां और बेटी का निश्चल व्यवहार हो जाता है उस घर में स्वर्ग का वातावरण हो जाता है, क्योंकि माँ और सास और बहू में यदि निश्चल प्रेम है तो घर का वातावरण कलापूर्ण नहीं होगा, शांत वातावरण होगा। जहाँ शांत है वहां तो प्रेम है। दुर्भाग्य अभी है, ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसे घर हैं जहाँ सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता है। दुर्भाग्य है ऐसे घर कम होते चले जा रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसे घर हैं जहाँ सास और बहू में सांप और नेवला का बैर हो गया है। देखे ना सांप और नेवला की लड़ाई नरक है वहीं पर प्रत्यक्ष। कोई भक्ति काम नहीं कि तुम बराबर रोज मंदिर जा पूजा करो, सब पूजा झूठी हो जाएगी। यदि घर में प्रेम से आपस में नहीं रह पाती हो तो यही बात इन भाइयों के लिए भी है। मैं ये कह रहा था कि सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, जीवित को होती है। तो कम सेवा नहीं कर सकती हो तो कम से कम तन से मन से वचन से किसी को तकलीफ तो मत दो, जानवर का दुख तो मत दो। इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। और भजन की भजन का अर्थ होता है, मैंने कहा भजन पहला अर्थ होता है सेवा, फिर भजन का अर्थ होता है स्मरण चिंतन याद करना। किसका स्मरण करें? अच्छी बातों का स्मरण करें, अच्छी बातों को याद करें। लोग ये भी कहते हैं भगवान का स्मरण करो। भगवान की स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण उसका होता है, याद उसकी होती है जिसे हमने देखा है, साक्षात जिसकी मुलाकात हुई है। याद उसकी होगी जिसके बारे में सिर्फ सुना है या पढ़ा है, उसकी कल्पना होगी। तीन दिन पहले, दो दिन पहले कह सकते हैं, परसों इस सत्संग के बारे में आपकी एक कल्पना थी। बस महात्मा लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे होंगे, कैसे उनका शरीर होगा, क्या बात बताएंगे, आप ये कल्पना थी। अब कल से जब सुना आप लोगों ने तो एक आपने देखा सामने, तो अब इसकी याद होगी कि वहां गए थे शोभा छपरा में, महात्मा लोग आए थे, ऐसी ऐसी बातें बता, तब उसकी याद होगी, स्मरण होगा। भगवान को न तो देखे हो न भगवान से मुलाकात हुई है, केवल सुने हो पढ़े हो, याद नहीं होगी, कल्पना होगी। और कल्पना से काम नहीं बनेगा। हम भगवान कल्पना कर सकते हैं, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा है वैसा है, स्मरण नहीं होने वाला है। स्मरण कैसे करोगे जिससे मुलाकात ही नहीं हुई है? और ये भी कहा जाता है भगवान मन बुद्धिमानी से परे है, तो जब मन बुद्धिमानी से परे है तो उसकी है तो स्मरण कैसे करोगे उसको? केवल कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जो प्रत्यक्ष हैं उनकी सेवा,
जिस देवी देवता की बात कहते हैं कबीर साहब, वो देवी देवता आकाश में नहीं है, वो भगवान भगवती आकाश में नहीं है, प्रत्यक्ष यहाँ सामने बैठे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हस हस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान और देवी देवता के दर्शन करने के लिए, भगवती दर्शन करने के लिए मैं आंख ना कान बंद नहीं करता, मैं धूप में खड़े होकर जंगल जाकर तपस्या नहीं करता, मैं जहां जाता हूँ खुली आंखों से मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ। देखो इधर भगवान बैठे हैं, यहाँ भगवती बैठी है, इधर देवता बैठे हैं, इस तरफ देवियां बैठी, प्रत्यक्ष भगवान भगवती। इसके लिए कल्पना नहीं करना है। अर्धनारीश्वर महादेव का फोटो आपने देखा होगा, कभी कभी चित्र बना होता है, शरीर का आधा हिस्सा, बाएं हिस्सा नारी का होता है, दाएं हिस्सा पुरुष का होता है, उसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर महादेव। पता नहीं ऐसा महादेव हुआ या नहीं हुआ है, यहाँ बैठे हैं प्रत्यक्ष अर्धनारीश्वर महादेव, आधे में पुरुष आधे में नारियां, अर्ध महेश्वर महा, ये पूरा हमारा जो समाज है अर्धनारीश्वर महादेव है, प्रत्यक्ष भगवान। अब ये सगुण भगवान है, सगुण का मतलब ही होता है जो चलता फिरता हो, खाता पीता हो, जिसे सुख दुख का अनुभव होता हो, ज्ञान करता हो, समझ बुझ कर काम करता हो, प्रणाम करो आशीर्वाद भी देता हो, समय से प्रेम भी करता हो, समय से क्रोध भी करता हो, वो प्रत्यक्ष भगवान सगुण परमात्मा। कबीर साहब का सगुण परमात्मा ये यहाँ बैठे हुए हैं सामने। लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने सगुण को नहीं माना, वो निर्गुण को मानते हैं। पता नहीं विद्वान लोग क्या खा करके लिखते हैं। कबीर सगुण प्रत्यक्ष मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। गुरु सगुण है कि निर्गुण है? मूर्ति जो खाती नहीं, पीती नहीं, बोलती नहीं, चालती नहीं, प्रणाम आशीर्वाद नहीं देती, वो सगुण हो गई। और गुरु जो खाता पीता है, बोलता चालता है, उपदेश भी करता है, प्रणाम भी करता है, वो निर्गुण कैसे हो गया? सच्चा सगुण कौन है? जिसमें जानने का गुण हो, और हर मनुष्य में जानने का गुण, हर प्राणी में जानने का गुण है। तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा यहाँ सामने बैठे हुए हैं प्रत्यक्ष। इसके लिए साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हस हस पहचान, सुंदर रूप निहारो। अब निर्गुण की बात आती तब साहब क्या कहते हैं, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है, बाहर आंख खोलने की आवश्यकता क्या है? आंख बंद करो तब भीतर परमात्मा बैठा है, उसका ज्ञान होगा। और पुराने जमाने में ये बात कही गई, लेकिन बातें भूल गई, लोग भटका दिए, सही बात नहीं बताते। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, गीता में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, महाभारत सीरियल चला था तो देखा होगा, विराट रूप परमात्मा। गीता से पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन है, लेकिन वो कौन समझने लायक है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमि विश्रुतो वृत्तात् अधितिष्ठत् दशांगुलम्। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। वो जो पुरुष है, विराट पुरुष, उसके हजारों सिर है, सहस्र शीर्षा, हजारों, हजार कहने का अर्थ है असंख्य सिर है, असंख्य आंखें हैं, और असंख्य उसके हाथ पैर हैं। अब ऐसा कौन विराट पुरुष परमात्मा है जिसके असंख्य सिर हो, असंख्य हाथ पैर हो, असंख्य आंखें हो? ये समाज, कितने प्राणी दुनिया में, मनुष्य की संख्या दुनिया में 7.5 अरब या 8 अरब के आसपास है। आप किसी इसी सुबह छपरा गांव में 8 अरब कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, गिनती नहीं कर सकोगे। तो ये भी तो परमात्मा है। अब गिनती करो,
कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदमी सब मिलाकर कितना होगा, असंख्य गिनती से बाहर, ये सब सगुण परमात्मा है। और यही विराट, ये सब की सामूहिकता विराट पुरुष परमात्मा है, विराट पुरुष परमात्मा। ऋषि कहते हैं, ये ऋग्वेद का कथन है, ऋषि कहते हैं वो विराट पुरुष परमात्मा के हजारों नहीं असंख्य हाथ पैर सिर ग्रीवा आंख नाक कान आदि है। कौन? ये पूरा समाज, प्राणी प्राणी मात्र की सामूहिकता, सब भूमि वृत्तो वृत्तवात, दुनिया में सब तरफ व्याप्त है। दुनिया में प्राणी कहाँ नहीं है, आदमी नहीं तो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, जहां जाओ वहां मिल जाएंगे, सब तरफ से वो व्याप्त है, हर जगह प्राणी है, हर जगह प्राणी है, वो भी तो परमात्मा है। ये सगुण परमात्मा की बात है, लेकिन निर्गुण के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो सब तरफ से व्याप्त है, सब जगह है, लेकिन बैठा कहाँ है? अधितिष्ठत दस अंगुलम, सब तरफ व्याप्त होकर के दस अंगुल ऊपर बैठा है। इसका मतलब क्या है? सब तरफ जो व्याप्त है, ये प्राणी मात्र, कबीर जेति आत्मा तेते शालिग्राम, साहब जितनी आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, प्राणी कीड़े मकोड़े, साहब सब सब शालिग्राम भगवान के समान समझो सबको, और है वास्तविक, लेकिन बैठा कहाँ है? दस अंगुल ऊपर। दस अंगुल क्या है? नाभि आपकी है, दस अंगुल नापो हृदय में आएगा। बाहर ये सगुण परमात्मा सब जगह है, और निर्गुण नाभि से दस अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है। असली परमात्मा समझना है तो अपनी दृष्टि खोलनी पड़ेगी। शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे दादा बाबा गुरु पीर महात्मा लोग क्या कहते हैं, सुनो सबकी बात, पढ़ो शास्त्रों को, लेकिन आंख मूंद कर कभी किसी की बात मत मानो, विवेक की आंखें खोलो और समझो कि वास्तविक परमात्मा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कौन हो सकता है जिन्हें सेवा की आवश्यकता है? ये प्राणी, और प्राणियों के साथ बैर, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े 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 भगत हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, मंदिर में जाएंगे, दो दो घंटा पूजा करेंगे, तीन तीन घंटा पूजा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा लगता है इनसे बड़ा पुजारी, इनसे बड़ा भगत, इनसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं होगा। बड़े आंख से आंसू भी बहाएंगे भक्ति करते करते, पूजा करते करते, लगता है साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है, इतने बड़े भगत हैं। किंतु जब दुकान में जाएंगे तो मिलावटी सामान बेचेंगे, कालाबाजारी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे। भगवान के बड़े भगत हैं, खूब भगवान को भोग लगाएंगे, और जब ऑफिस में जाएंगे तो बिना घुस के काम नहीं करेंगे। जो भगवान खाता नहीं है उस भगवान खिलाने का नाटक किया जाता है, और जो भगवान खाते हैं प्रत्यक्ष उस भगवान की खुराक छीनी जाती है, उसके साथ बेईमानी बदमाशी किया जाता है। कबीर साहब ऐसी भक्ति की बात नहीं कहते। कबीर साहब हमारी दृष्टि, हमारी हमारी आंखों में उंगली डाल करके हमारी आंख खोलना चाहते हैं। समझो, विचारो, किसी ने कह दिया मत मान, मान मेरी बातों पर भी आप विचार करो, सही लगे मानना, न सही लगे छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है हम जो कह रहे हैं आप मान लो। जब तक आपका विवेक, आपका हृदय गवाही न दे, गुरु की बात को भी आंख मूंद करके मत मानना। गुरु साक्षात गुरु कह रहे हैं, गुरु पर विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। गुरु की भक्ति करो किंतु अंधभक्ति नहीं। गुरु भी मनुष्य है, गुरु से भी भूल हो सकती है। विचार करो गुरु की बात सही है तो इसमें विचार करने में अपराध क्या हो जाएगा? गुरु की बात पर विचार कर लेना गुरु का द्रोही बनना नहीं है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बातों को आंख मूंद करके मानना, कहेंगे बेटा मैं ऐसा समझता हूं,
ये मेरी राय है, ये मेरा विचार है, सुनो समझो देखो, सही लगे मान लेना, न सही लगे तो छोड़ देना। जब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा हृदय अलाउ ना करे, तब तक आंख मूंदकर गुरु की बात को भी नहीं मानना है। मैं मूल बात पर आता हूं। अब ये भी याद रखो, जो गुरु ये कहते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे महात्मा हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं, गुरु की बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, गुरु की बात को आंख मूंद करके मानना चाहिए, वो गुरु झूठे गुरु हैं। वो आपको केवल भटकाने वाला है धर्म के नाम पर। पंडे हो, पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, गुरु हो, पीर हो, साधु हो, महात्मा हो, सबको आदर दो, सबको आदर दो। किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, लेकिन किसी की भी बात को आंख मूंद करके मत मानो। जो उचित लगे अपने लिए, दूसरों के लिए, जो हितकर है, कल्याणकारी है, उन्हीं बातों को मानना, बाकी सबको छोड़ देना। अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से काम नहीं बनने वाला है। बहुत भटक चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं, और आज भी बड़े बड़े घाघ लोग बैठे हैं आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप भावुक हैं, आप चाहते हैं गुरु महाराज आशीर्वाद दे दे, हमारा काम बन जाएगा, एक लोटा पानी चढ़ा देंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी। कैसे लग जाएगा? अनेक लोग आते हैं गुरु के पास, महात्माओं के पास, अपनी बहू को लेकर, बेटे को लेकर, कहते हैं गुरु जी ये हमारे बेटे बहू हैं, शादी हुए 7-8 साल हो गए गुरु जी, बच्चा नहीं हो रहा, गुरु जी आशीर्वाद दे दे बच्चा। गुरु जी के पास का जेब में कोई बच्चा रखा है क्या? निकाल कर दे देगा तुमको। झूठ, धोखा में मत पड़ो। गुरु का आशीर्वाद है, तुम्हारी दुकान में मुनाफा नहीं होने वाला है, मेहनत करो, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सामान दो, सही सामान दो, और मीठी वाणी बोलो, और फिर उचित दाम लो, तब व्यापार में मुनाफा होगा। थोड़ा धैर्य रखो, गुरु का आशीर्वाद से नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद से मुकदमा नहीं, मुकदमा में जीतोगे नहीं। तो आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास मत जाओ, गुरु के पास जाओ सही ज्ञान सीखने के लिए, जीवन को कैसे जीना है इसकी सीख लेने के लिए गुरु के पास जाओ। आशीर्वाद देने वाले गुरु केवल झूठे गुरु हैं। थोड़ी सी मेरी बात कड़वी हो लगेगी आपको, ये साधु होकर ऐसी बात क्यों कह रहा है, लेकिन साधु के नाम पर बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव है। इसलिए साधु भी पूजनीय है, पूजनीय तो हर व्यक्ति है, सबके लिए प्रेम, आदर, स्नेह, सम्मान का भाव रखो, और किसी को तकलीफ मत दो, सेवा हो जाएगी। मैं कह रहा था, साहब कहते ना हरि भजस न आदत छूटी। हरि का भजन क्या है? हरि भजन कहो, राम भजन कहो, खुदा भजन कहो, रहीम भजन कहो, अल्लाह गाड़ भजन कह लो, परमात्मा भजन कह लो, गुरु भजन कह लो, सबका अर्थ एक ही है। वो क्या है? गलत आदतों का त्याग। आदत हम बनाते हैं और हमारी आदतें हमको परेशान करती हैं, हमारी आदतें हमारे जीवन को बिगाड़ती है, स्वास्थ्य को बिगाड़ती, परिवार को बिगाड़ती है। आदत जिससे हमारा शरीर बिगड़े, परिवार बिगड़े, समाज बिगड़े, जीवन बिगड़े, उसी का नाम है आदत। ऐसे खान पान, ऐसे रहन सहन जिसे शरीर, स्वास्थ्य, परिवार, जीवन सब बिगड़ता, उसी नाम तो आदत है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते, मंदिर में पूजा करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते 5, 10, 15, 20, 25 साल हो गए, तंबाकू लगाना भी छूटा नहीं है,
कौन सी भक्ति कर रहे हो? राम की भक्ति कर रहे हो कि तंबाकू की भक्ति कर रहे हो? नाम भी जप रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं और मुख में गुटखा भी दबाए हुए हैं, मुख में तंबाकू भी दबाए हुए हैं। भक्ति के नाम पर ऐसी बेईमानी, भजन के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी, दुर्भाग्य तो ये है। कितने ऐसे साधु महात्मा भी निकल गए हैं जो साधु भी हैं और बीच बीच में घंटा घंटा रगड़ कर तंबाकू भी फांकते रहेंगे, बीड़ी भी पीते रहेंगे समय समय पर, और फिर जब गांधा दम लगाते हैं ना समाधि बहुत अच्छी लग जाती है। साधु है या साधु के नाम पर उपाधु है। एक गृहस्थ बिगड़ता है तो गृहस्थ अपना बिगड़ता, थोड़े लोगों को बिगाड़ता, क्योंकि गृहस्थ का संपर्क थोड़े लोगों से होता है। और साधु पता नहीं कहां कहां घूमता है। एक गंजेरी साधु जहां जहां जाएगा लोगों को गांधा पीना सिखा देगा, गृहस्थ इतना नहीं सिखा पाएगा। एक तंबाकू खाने वाला साधु जहां जहां जाएगा लोगों को तंबाकू खाना सिखा देगा। अब महा अपराध हो रहा है ये साधुता के नाम पर। जिसको समान गृहस्थों को भी नहीं खाना चाहिए उसको साधु कहा है, उसको साधु पिए। तो साधु आदरणीय तो है लेकिन कपड़ा नहीं, जीवन का आचरण। साधु का त्याग, साधु का वैराग, साधु की रहनी, ये पूजनीय है। कपड़ा पूजनीय, कपड़ा तो कोई भी पहन ले सकता है। तो भजन क्या है? बुरी आदतों का त्याग। बस एक काम, कोई भी गलत आदत जीवन में न लगाओ। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और बिना गाली दिए बात नहीं करेंगे। कौन सी भक्ति है भाई? बड़े भगत हैं भगवान के, गुरु के, मन में ईर्ष्या भरी है, घृणा भरी है, लोभ भरा हुआ है, बैर भरा हुआ है, कहां से भक्ति हो रही है? सब दिखावे की भक्ति। दिखावा में हम लोग भूल गए हैं। ये दिखावे की भक्ति काम नहीं आएगी। असली भक्ति जीवन की निर्मलता, मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता। न पूरा निर्मल होता, जितना कर सकते उतना तो करें, कम से कम गलत अच्छी बातों ग्रहण नहीं कर सकते तो बुरी बातों का तो त्याग कर दो। भजन कबीर साहब के हिसाब से भजन है जीवन का सुधार। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना सरल भजन है सबके लिए। भजन वह है जो सबके लिए लागू होता हो, जो सबके लिए लागू ना होता हो वो हमारा विश्वास है, कर्मकांड है, हमारी मान्यता है। कल मैंने कहा था हिंदू मंदिर में पूजा करेंगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, ईसाई गिरजा में प्रार्थना करेंगे, सिख गुरुद्वारा में अरदास करेंगे, कोई कुछ और करेंगे, लेकिन बुरी आदतों का त्याग किसके लिए चाहिए? वो तो सबके लिए चाहिए। कहा जाता है महर्षि वेद व्यास से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा क्या है, कैसे करूं? तो सोच में पड़ गए, ऐसा क्या बताऊं जो सबके लिए आवश्यक होगा, सबके लिए। कोई यदि कहता हूं राम राम कहो तो हिंदुओं में भी सब लोग कहां करेंगे? अरे समाजी लोग तो राम राम नहीं कहते, और समाजी लोग तो ओम नमो भगवते वासुदेव नहीं कहते, कहते वो तो ओम का जाप करते हैं। मुसलमान तो सब कहेंगे नहीं। अल्लाह अकबर कहना यदि ईश्वर के भक्ति है तो हिंदू नहीं कहेंगे, ईसाई भी नहीं कहेंगे।
बुद्धम शरणम गच्छामि, यदि भगवान की भक्ति है तो गैर भक्त तो ही कहेंगे नहीं। ओम नमो अरिहंतानम कहेंगे तो ये तो केवल जैन मानेंगे, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं। तब क्या है फिर ईश्वर की पूजा? तब कहा जाता है, बहुत सोच विचार कर वेद व्यास ने कहा, रागाद देतम हृदय वाग दुष्टा निरता देवी हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजनम। रागाद देतम हृदय, राग द्वेष ईर्षा घृणा बैर बैमनस इनसे मन रहित हो। वाग दुष्टा निरता देवी गाली निंदा झूठ चुगली इनसे वाणी रहित हो। और हिंसा दीरता का चोरी हिंसा व्यभिचार से शरीर रहित हो। ऐतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर पूजा मतलब मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की पूजा है। दुनिया में कौन कहेगा नहीं जी, आदमी तो आदमी को चाहिए अपने मन वचन कर्म को गंदा रखना चाहिए, तब भगवान खुश होगा, तब खुदा खुश होगा, ऐसा कोई कहेगा क्या? ये मन वाणी कर्मों की निर्मलता, सुंदर चरित्र, कोमल व्यवहार, मीठी वाणी की आवश्यकता किसको नहीं है? कौन इसे नकारेगा? यही यही भजन है, यही भक्ति है। जीवन का सुधार भक्ति है, आत्मशोधन भक्ति है। भक्ति क्या है? आत्मशोधन। भजन क्या है? आत्मशोधन। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, पड़ा है कहीं पर, देखते हैं उसी पर कई बार रह करके पेशाब कर लेते हैं, थूक भी देते हैं उस पर, कोई कीमत नहीं होती हुई उस अनगढ़ पत्थर को। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार देखता है, कलाकार, मूर्ति बनाने वाला, उठाकर ले आता है दरवाजे पर और रोज उसको गढ़ना, छिलना, संवारना, शोधना शुरू करता है, धीरे 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 करते 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 गढ़ते छिलते संवारते गए। एक दिन वह आता है किसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति बनाने वाला कलाकार उस पत्थर में मूर्ति को बाहर से लाकर बैठाता नहीं है, मूर्ति उस पत्थर के भीतर छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या काम किया? पत्थर के जिन भागों ने, जिन अंशों ने उस मूर्ति को ढक रखा था, धीरे धीरे थोड़ी से शोध शोध कर उन अंशों को दूर हटाने का काम किया। सारे अंश जब हट गए तब सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया, वो पत्थर सुंदर मूर्ति बन गई। जिस पत्थर को 100-200 रुपया देकर भी आप खरीदना नहीं चाहते थे, अब उसी पत्थर को हजारों लाखों देकर खरीदते हो, क्योंकि अब पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति हो गया। अब मूर्ति नहीं हो रह गया, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान बन गया। पत्थर वही है, एक समय हम उसी पर पैर रख करके खड़े होते थे और आज उसके सामने हम सिर झुका रहे, क्यों? उसको शोधा गया पत्थर। ऐसे ही अपने आप को शोधें, रोज सुबह बैठें उठ करके, बस दो चार मिनट, चाहे स्त्री पुरुष साधु गृह तो कोई हो, दो चार मिनट सुबह बैठे, बस नींद खुले भीतर बैठ जाओ और सोचो कि मेरे किस व्यवहार से, मेरे किस वाणी से, मेरे किस कर्म से, किस आचरण से, किस खान पान से मेरा जीवन बिगड़ रहा है और मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ होती है, क्यों मैं दुखी हूं? विचारो और समझ में आ जाए तो अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने बात व्यवहार को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विचारो, इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए पूजा करते, सत्संग करते, गंगा नहाते, तीर्थ यात्रा करते, माला जपते, नाम जपते, सब कुछ हो गया, मेरे क्रोध कितना घटा, मेरी ईर्षा कितनी घटी, लोभ कितना घटा, मोह बैठा गया कितना घटा, काम की जो लंपड़ता है वो कितनी घटी। सोचते जाओ और सोच करके
धीरे धीरे से छोड़ने संकल्प करते जाओ, सोधते जाओ सोधते जाओ, एक दिन भीतर के भगवान प्रकट हो जाएगा। और ये काम हम नहीं करते, भगवान को बाहर से पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो बाहर से मिलेगा आपको, हो मिलेगा भी तो छूट जाएगा, उधारी के भगवान काम नहीं आएगा। भीतर भगवान हमारा अपना भगवान होना चाहिए, वो भीतर वो बाहर नहीं, वो भीतर बैठा है। अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम शोधने का काम नहीं करते। तो भजन है आत्मशोधन, निरंतर अपने गुण दोषों की परख करते रहना, और परख करके अपने गुणों का संवर्धन करना, गुणों को बढ़ाते जाना, बढ़ाते धीरे धीरे से ही, और दोषों को छोड़ते जाओ, एक एक दोष एक एक दोष एक एक दोष, ऐसा करो। अकेले बैठो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, चाहे साधु चाहे गृहस्थ, अकेले बैठो और बड़ी निष्पक्षता के साथ, जैसे हम दूसरे की बुराई देखते हैं ना, दूसरे के दोषों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, वैसे ही बारीकी से निष्पक्षता के साथ अपनी गलतियों की सूची बनाओ, लिखते जाओ, मुझमें ये गलती है, मुझमें ये गलती, मुझमें ये गलती, मुझमें ये गलती है, सारी गलती सूची बना लो। अब फिर देखो कि इन गलतियों में कौन सी गलती सबसे छोटी गलती है जिसे मैं बहुत जल्दी आराम से छोड़ सकता हूं, जो सबसे कठिन लगे उसे सबसे पीछे रखो लिस्ट बनाने पश्चात, जो लगे कि ये गलती बहुत छोटी गलती है, शुरुआत वहां से करो, उसको छोड़ने का संकल्प, दो दिन चार दिन पंद्रह दिन महीना भर में जो गलती छूट जाएगी, उसके बाद फिर देखो अब गलतियां जो बाकी है उनमें से कौन सी गलती छोटी है बाकी रही, उसे शुरुआत करो, धीरे धीरे करते करते जाओगे, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, नियम सबके लिए बराबर, दोनों का काम एक ही करना है। मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझमें गलतियां नहीं, मुझमें भी तमाम गलतियां हैं, मुझे भी अपनी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी साधना पूरी होगी। साधना का अर्थ ही है गलतियों का त्याग, भजन का अर्थ ही गलतियों का त्याग। ऐसा जब करते जाएं जब सारी गलती छूट जाएगी, भीतर भगवान प्रकट हो गया, खोदना का है भटकना का, इसका नाम है भजन करना। और साहब क्या कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना इसकी गलत आदतें छूटती है। एक काम और करना होगा, हम और आप कोई भी अकेले नहीं रहते, आप परिवार में रहते हो, माता पिता पति पत्नी भाई बंधु बेटा बहू के साथ, हम समाज में रहते हैं, गुरु हैं गुरु भाई हैं शिष्य हैं भगत लोग हैं उनके साथ रहते हैं, कभी कभी व्यवहार में न समझने के कारण या लोभ के कारण स्वार्थ के कारण आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है, कोई हमें कटु कह देता है, हम किसी कटु को कह देते हैं, कोई हम किसी पर गुस्सा कर लेते हैं, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर लेता है, ये सब हो जाता है। किसी के लिए मन में बैर विरोध की भावना आ जाती है। ऐसा करना है, मान लो किसी ने बिना गलती के आपको कटु कह दिया, आपको गाली दे दिया और आप पर गुस्सा कर लिया, अच्छा तो नहीं लगा, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सहन कर लिए, कभी आपने ही जोश में आकर या हमने जोश में आकर किसी को कटु कह दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी को बुराई कर दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी नुकसान कर दिया, किसी को एक थप्पड़ लगा भी दिया, अब बात तो आ गई, अब इसके कारण से मन में बैर बन गया है, अब मन पश्चाताप कर रहा है, मन में शांति नहीं है, उद्वेगित है मन, तनाव से भरा हुआ है मन, तो करना क्या है? या तो जिसने हमें गाली दी, हमारी निंदा किया, या हमने गाली दी निंदा किया, सामने ही या तो क्षमा मांग ले,
या सामने से क्षमा कर दे, लेकिन अहंकार आड़े आता है, ऐसे क्षमा कर दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, या मैं क्षमा मांग लूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अहंकार आड़े आ जाता। फिर अपने से छोटे से क्षमा मांगना तो और मुश्किल बात हो जाती है। तो ऐसा करो, अकेले बैठो रात में या कहीं पर, जिस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा किया है, आपको गाली दी है, आपकी निंदा की है, आपका काम बिगाड़ा है, उस व्यक्ति के पास मन ही मन पहुंच जाओ, या उस व्यक्ति को अपने पास बुला लो मन ही मन। प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण पड़ गया, अहंकार आ रहा आता है, कोई बात नहीं, तो मन ही मन तो उसे मुलाकात कर सकते हो ना। और मन ही मन बुला करके उससे कहो, भाई मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ा था, अपनी जान में मैंने तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे गाली दी, फिर भी तुमने मेरी बुराई की, मेरा काम बिगाड़ा, मुझ पर गुस्सा किया, कोई बात नहीं है, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मन से तो क्षमा कर दो, सामने क्षमा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मन से तो क्षमा करो, और यदि मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो समझना आपका दिल नहीं है, पत्थर है, आपका दिल बहुत कठोर है, क्रूर है, और ऐसे कठोर और क्रूर दिल रह करके लग करके शांति कभी नहीं पा सकोगे। सामने तो माफी दे ही नहीं पाए, मन से भी माफी नहीं दे पा रहे हो, मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो दिल नहीं भैया, पत्थर है। हमसे गलती हो गई, हम जोश में आ गए, जोश में आकर गुस्सा कर दिए, अब शब्द कह दिए, प्रयोग कर लिए, अच्छा है कि सामने क्षमा मांग ले, लेकिन अहंकार आड़े आ गया, सामने क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, तो वही अकेले बैठ कर उस व्यक्ति को बुला लो अपने पास, या खुद पहुंच जाओ उसके पास और उसे कहो कि मैं समझ नहीं पाया, अपने को संभाल नहीं पाया, जोश में आ गया, मैंने बिना मतलब आप पर गुस्सा किया, बिना मतलब आपको गाली दिया, अपनी निंदा बुराई किया, आपका काम बिगाड़ा, अपनी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और मन से भी क्षमा नहीं मांग पाना तो वही बात है, हृदय नहीं पत्थर है। यदि हम मन ही मन क्षमा नहीं मांग पाते हैं और मन ही मन क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोई भक्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हृदय बहुत कठोर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है। और भजन का अर्थ होता है हृदय का कोमल बनना, विनम्र बनना, आग्रह रहित बनना। अब फिर तो हर समय भजन है, फिर मंदिर जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नाम जपो न जपो, पूजा करो न करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर समय भजन हो रहा, हर समय भजन हो रहा है, हर समय भक्ति चल रही है, यही भक्ति काम आएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छूटी, मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। सीधी बात है, अपनी आदतों का सुधार, जीवन का सुधार, जीवन को धीरे 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 ऊपर उठाते जाना, इसी का नाम भजन है। और इसी भजन से आत्मोत्थान होगा, आत्मकल्याण होगा, आत्मशांति, आत्मतृप्ति, आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होगी, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा। मान्यता आपकी चाहे जो हो, आप अपनी मान्यता से स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक ये भजन नहीं होगा, ये भजन सार्वभौमिक भजन है, इसी भजन से ही मानव समाज में एकता आएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल एक पंक्ति कबीर साहब की याद करें, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। इस पंक्ति में मैंने आपसे निवेदन किया, समय काफी हो चुका है, आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत शुभकामनाएं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।